अभी बोडुमसा में है, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुमुंग पथार बोल के एक गांव है। तो अभी हम कुमुंग पथार गांव में ही है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का प्लांट एक तो बैठा हुआ है यहाँ में, तो क्या क्या करता है तो थोड़ा देखने आए हम अभी। लगता है यही है, कोई आदमी है नहीं। हम पहुंच गया यहाँ में, तो आप लोग को दिखाएगा ये प्लास्टिक श्रेडर यूनिट यहाँ पे है, ग्राम पंचायत कुमुंग पथार। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, रिसाइकल बोल के है। ये कंपनी है जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, उसके बाद ऑल इंडिया लिमिटेड वो भी एसोसिएटेड है, और नेक्स्ट आपका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बेसिकली ज़्यादातर पॉलीथीन बोतल, क्या है, पॉलीथीन बैग्स, ये कुछ कैन ऐसे खुला खुला ही रखा है। तो मशीन के सामने कैसे जाएगा, यहाँ पे स्टेट का जितना भी है प्लास्टिक वेस्ट लेके आएगा, यहाँ पे रखेगा, और यहाँ से उसको श्रेडिंग करके रोड मेकिंग में यूज़ करेगा बोल के। मशीन ये कैप्स को अलग करके रखा है, ये है पूरा श्रेडेड वाला जो पीस पीस करके। तो अभी टेक्निकली श्रेडेड वाला पीस पीस वाला वो अभी रोड मेकिंग में उसको रीयूज करना है, श्रेडेड करके रखा वाला, पीस पीस करके रखा वाला। ये प्लांट का इधर सामने में ये गांव का रास्ता है, और ये आपका साइन बोर्ड, बस्ती का नाम देख लीजिए, कुमुंग पथार वन विलेज। ऑपरेटर आया है बोल रहे हैं, हम देखा था, देखता है वो है उधर में काम चल रहा है, थोड़ा उसको पूछ लेगा कैसे क्या होता है। आपने की तो ऑपरेटर प्लेट बे आएगा, ओ अच्छा ये तो है ना, ये तो माल तो रास्ता बना बोला है, रास्ता चल लीजिए इतना फोन 12 क्विंटल ফ্রুটি বোতল ব্লক এইটো কাটে দে ও আচ্ছা তো বেড়া লগত আমার বাউন্ডারি হয় আর এইটো উড়ি আম গছ আছে তারপর কোন তো গাছ এইটো হ্যাঁ এইটো গছ ও তারপর সে এইটো বেড়া তার লগাইছে নাকি তার তো লগানে তার লগা না স্যার বেড়া তো ইয়া তো আছে বেড়া আছে না বেড়া আছে ভাঙি গলি তে সিস্টেম আছে আওয়াজ তো দিয়ে হলো কি পা চলে তো লাইট হ্যাঁ কারেন্ট পুরা তার তো কাটি দিয়ে লেকিন মেন কথা আমি বল ডাঙ্গর ডাঙ্গর দাঁত দাঁত এই লাগে না অন্য আর কাটি বলে আর এইটো দাঁত বেয়া হই গল ওকে দাঁত তো খুলিছো হইতো ধার করিম স্যার ও আচ্ছা আচ্ছা নিজে ধার করে হ্যাঁ নিজে ধার করে এটু এটু ভিতর পাতে বেয়া নাকি দুইটা মেশিন তো কাম নাই এটু ব্ল্যাক হয় এটু আর এটু একটাই ব্ল্যাক মানে তার কি ব্ল্যাক আছে এটু ব্ল্যাক মানে তার ব্ল্যাক 4টা আছে তার ব্ল্যাক 10টা আছে ইয়ার 15টা ব্ল্যাক আছে লেকিন সবর হে দুইটা মেশিনৰ পৰা ইয়ার পাওয়ার বেছি আছে আচ্ছা হলে ভি হিটু নোৱারে কাটে পাওয়ার বেছি মানে মানে এটু আপোনার হৈ গৈ আতে 4টা ব্ল্যাক আছে 4টা ব্ল্যাক তে হি মানে একদম কমজোরি মাল তো এনেকা নরম মাল তো কাটিব ও আচ্ছা ও হাট তো আছে 10টা ব্লেড হইতো হি কাটে ইয়াত কি মানে আছে ব্লেড আছে আপনার মানে এইটো হাট মাল ভি কাটিব পারিব আছিল ও কি মান ঘন্টা চলে হবে মানে হদে রাতি পাপরা গুদল লুকে ও মানে 8 ঘন্টা লাইট থাকিলে ও লাইট থাকিলে লাইট না থাকিলে আর 2 ঘন্টা রেস্ট মানে এক দিনতে এইটো মেশিন অকলে চলে এতিয়া তো হিটো মেশিন দুইটা তো না চলে এইটো মেশিন তে হলে আপনার মানে 35 40 লুকে কাটে কেজি কেজি
ছোটি লোকে আমি মানে কাটে টোন সিস্টেমের কথা হয় স্যার একটু আমাকে দিয়ে কালি পরহি কালি পরহি দিন এখন আমি মাল দিলাম ইয়ার পরা তো এটা ডিস্ট্রিক্ট ব্লক বা মইনা মইনা আনি দিয়ে হদাই মইনা দিয়ে হদাই মইনা দিয়ে আপনার চালান করা এক কিটো কালি পরহি আহি কিনি ডিসেম্বর ডিসেম্বর লাস্ট ডিসেম্বর তে দিছনি পুর তো এটু চালান কিমান আনি তো কিমান ট্রাক এক ট্রাক আইছলে এক ট্রাকই হয় হ্যাঁ এক ট্রাক আইছলে আর এটু ট্রাক यहाँ का ऑपरेटर लोरेन मुंडा है बोल रहे हैं और हम उससे बात हुआ अभी तो वो मशीन का जो टीथ है जो श्रेडिंग करते हैं वो थोड़ा ब्लंट हो गया माने धार धार चला गया बोल रहे हैं इस कटिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए वो पूरा अभी उसको धार कर रहे थे तो जब तक वो उधर उसका दांत को मशीन को थोड़ा सा रिपेयर कर रहा है वो ताकि उसका बाद वो उसको प्लास्टिक बोतल लुको श्रेडिंग करेगा वो तो वही ये पूरा उनका ऐसे कंपाउंड है ये पूरा ये जो बेम्बू का जा रहा है वहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाके पूरा काफ़ी बड़ा है वो सफिशिएंट है पूरा ये जहाँ तक मेरा भी नॉलेज है ये आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चांगलांग की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ये प्लान को बिठाया है। ये वाला वीडियो जो बेसिकली जस्ट थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि यहाँ पे जो वेस्ट जो पानी बोतल हो गया बिस्लेरी बोतल है जो भी वेस्ट है या हमें जितना भी देखा है पॉलीथीन बैग्स लोग वो आपका घर से बाहर निकालने के बाद कहाँ जाता है क्या होता है हर एक का घर से जब अभी पानी का बोतल निकलता है ऐसे पॉलीथीन बैग वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है कि उसको अभी डिस्पोज कैसे करना है उसको अभी सही तरीका वैसे नेचर को कितना हार्म करता है वो तो अभी सब आप लोग को मालूम ही है इसलिए अभी इस गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इनिशिएट किया और जहाँ तक मेरा खबर है ये पूरा ईस्टर्न अरुणाचल में श्रेडिंग मशीन का प्लान यहीं पे लगा है और जो मैकेनिक से भी जो अभी हम बात कर रहे थे तो वो बोला है कि यहाँ में आपका चांगलांग लोंगडिंग तिरप नामसाई तेजू और ये से रोइंग से जो आपका ये जो प्लास्टिक आता है जो श्रेडर मशीन बोलता है उसको वहाँ पे उसको छोटा छोटा जो महीन महीन होता है ना तो उसको ऐसा कट करके वैसे बना रोड बनने में उसको से रीयूज़ करते ये सब भी ऐसे कुछ कुछ है जो वर्थ शेयरिंग करने का ही है ये सब सब्जेक्ट भी क्योंकि अभी जैसे जैसे अभी जाने वाला समय के साथ में अभी ये सब चीज़ का भी अभी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसको थोड़ा सा देखने के बाद मेरा एक ही थोड़ा जो वो है कि गाँव का रास्ता भी जा रहा है वहाँ पे तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है तो उसको ऐसे बाउंड्री का टीना नहीं तो कुछ ऐसा वो नेटिंग वेटिंग दे देने से ठीक है ताकि जो उस गाँव वाला कुछ मतलब थोड़ा देखने के लिए भी थोड़ा सा साफ साफ नहीं लगता है इसे बाकी तो ठीक ही है तो ये वीडियो आप लोग को जानकारी देने के लिए कि हमारा अरुणाचल में भी और भी क्या क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेके और सस्टेनेबिलिटी को लेके अभी क्या क्या चल रहा है क्योंकि आई एम श्योर ये सब चीज़ अभी बहुत लोग को अभी मालूम नहीं होगा तो ये से छोटा सा वीडियो को हम यहीं पे एंड करता है तो सोच तो रहा था उसको थोड़ा सा चलते हुए हम थोड़ा सा देखेगा करके लेकिन अभी वो बोल रहा है कि वो जो अभी दांत को वो अभी शार्प कर रहा है 15 दांत है बोल रहा है जो उसका से 15 है तो उसको 15 को करेगा उसके बाद फिर उस लगाएगा मशीन में तो वो और आपका हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बोल रहा है तो आप लोग को ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा वीडियो जो पसंद लगा है तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना वो सपोर्ट मिलता है इससे तो इतना मैं इसको वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करता है सो थैंक यू एवरीवन बाय बाय क्या खा रहे बकरी तुम प्लास्टिक खाएगा रे मत खाओ जाओ घास खाओ उधर